नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 16, प्रोनाउंस। वी यूज प्रोनाउंस टू टेक द प्लेस ऑफ नाउन। हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाम की जगह पे कर सकते हैं। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। The subject of the sentence is a person or thing that performs the action of the verb. The subject of the sentence is a person. Sentence का subject person या thing हो सकता है that performs the action of the verb. In our chapter there are two pronouns. Subject pronoun or object. Subject pronouns are used to replace the subject, the person or the thing. Subject pronouns में हम subject को बदल सकते हैं, the person or the thing. Let's check the example. What is Maria doing? She is reading a book. Maria क्या कर रही है? वो book read कर रही है। तो यहाँ पे subject Maria है, उसकी जगह पे हम प्रोनाउंस लगाएंगे शी इज रीडिंग बुक। मारिया की जगह पे यहाँ पे शी प्रोनाउंस का यूज हुआ है। नंबर टू, व्हाट आर द बॉयज डूइंग? दे आर वॉशिंग द कार। बॉयज क्या कर रहे हैं? वो कार को वॉश कर रहे हैं। तो यहाँ पे द बॉयज दैट इज नाउन, उसकी जगह पे दे बॉयज की जगह पे दे का प्रोनाउन किया गया है। इन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वी आर यूज टू रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट बदलने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई बॉट दिस बुक, आई वॉज रीड इट लास्ट वीक। आई लव दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद है, मैंने उसको लास्ट वीक ही रीड किया है। तो यहाँ पे द बुक, दिस बुक नाउन है, उसकी जगह पे इट वो प्रोनाउन हुआ। तो दिस बुक का प्रोनाउंस इट हुआ, तो हम दिस बुक की जगह पे इट का यूज कर सकते हैं। लीजा एंड जूलिया माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई ईमेल देम एवरी डे। लीजा और जूली मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं उसको रोज ईमेल करती हूँ। तो लीजा और जूली टू गर्ल्स हुई, यानी कि प्लूरल, उसकी जगह पे धे आएगा, लीजा एंड जूली धे हुआ, तो धे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा धे। तो लीजा और जूली की जगह पे हम धे लिख सकते हैं। हियर इज अ टेबल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। इन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई You, he, she, it, all are the singular pronoun and we, you and they are the plural pronoun. In the object pronouns, me, you, him, her, it, all are the singular pronoun and us, you and they, plural pronoun. यहाँ पे subject pronoun I की जगह पे हम me का use कर सकते हैं, you की जगह पे यू का ही, यानी कि मैं, उसकी जगह पे हिम, शी यानी फीमेल्स या गर्ल्स, उसकी जगह पे हर का, और इट यानी कि कोई थिंक, उसकी जगह पे इट का यूज कर सकते हैं, वी यानी प्लूरल, उसका अस, यू उसका यू एंड दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई यानी कि मैं, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होगा मी यानी कि मुझे। आई का मी हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करना है और कहां पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करना है? तो सेंटेंस में अगर ब्लैंक फर्स्ट आएगी तो वहां पे सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा यानी कि आई, और अगर सेंटेंस में बीच में या पीछे एंडिंग में ब्लैंक दी जाएगी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज होगा। ओके चिल्ड्रन, यू यानी कि तुम, और यू यू यानी कि तुम, यू सिंगुलर में भी आ सकता है।
यानी कि बॉयज के लिए यूज होगा, यानी कि मैन के लिए यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हिम, एच आई एम। शी वो गर्ल्स के लिए यूज होगा, यानी कि फीमेल के लिए। तो शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर, एच ई आर। इट यानी कोई थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, उसके लिए इट का यूज होगा, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इट आएगा। ये सारे थे सिंगुलर प्रोनाउंस। अभी प्लूरल प्रोनाउंस पे चलते हैं। वी यानी कि हम सब, तो वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अस, यू एस। यू यानी कि तुम, उसका भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा यू। थे यानी कि आप, थे यानी कि वो, एनिमल्स, बर्ड्स, गर्ल्स, बॉयज, सबका प्लूरल। तो थे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होगा थेम। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू एंड दे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड देम। सो ये हमारे सब हुए सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। देखते हमें इजी लगता है। यहाँ पे सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी। प्लूरल में वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अस। सेकंड पर्सन यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम है, यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा यू, और यहाँ पे भी प्लूरल में यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, यानी कि बॉयज के लिए उनका प्रोनाउन होगा हिम, शी का सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा हर, और इट का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा इट। प्लूरल में थे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा देम। जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया गया है टेबल, उससे ये टेबल इजी रहेगा, समझने में भी इजी रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।